हेलो, दिस इज ज्योतिका चौहान एंड वेलकम बैक टू माई अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक टाइटल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज हम बनाने वाले हैं लिप एंड चिक टिंट, जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलते हैं। हम बनाने वाले हैं घर पर ही मेरे तरीके से, सीरियसली बहुत ज़्यादा बढ़िया बनता है। मैं स्कूल टाइम से, कॉलेज टाइम से इसी को ही बनाकर कॉलेज स्कूल लगा कर जाया करती थी। गर्ल्स फ्रेंड्स मेरे को पूछते थक जाती कि यार गालों पे अपने लिप्स पे क्या लगा के आती है, बट मैंने उनको कभी भी अपना सीक्रेट वाला ये टिंट का राज नहीं बताया। सो आज मैंने सोचा अपने सब्सक्राइबर्स के साथ ये शेयर कर लिया जाए। सो आप इसको बनाने में इतना ज़्यादा माथापच्ची नहीं लगने वाली। आपको एक जितना टिंट बनाना है उसके अकॉर्डिंग बीट रूट का जूस निकाल लेना है कंटेनर में। उसके बाद में लो फ्लेम पर, याद रखना है फ्लेम लो रखनी है, अगर ज़्यादा हाई रख ली तो ये जलकर राख हो जाने वाला है। लो फ्लेम पर दो से ज़्यादा नहीं रखना, 2 से 3 मिनट तक इसको पका लेना। जिससे क्या होगा ना, जब हम टिंट बनाएंगे तो उसका कलर बहुत ज़्यादा शानदार आएगा, बहुत ज़्यादा डार्क आएगा। सो 2 से 3 मिनट हो जाए फिर इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। फिर से इसको एक बाउल में निकाल के रख लेना है, जिस तरीके से मैंने एक बाउल में निकाल के रख लिया है। फिर हमें लेना है एलोवेरा जेल। आप एलोवेरा जेल की क्वांटिटी अपने बीट रूट के जूस के अकॉर्डिंग ही डालनी है। ओके, जिस मैंने इतना बीट रूट का जूस लिया है उसके अकॉर्डिंग एलोवेरा जेल डाल दिया है। उसके बाद लेना है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन मैंने 1 चम्मच के करीबन ही लिया है, ज़्यादा ग्लिसरीन नहीं लिया, वो भी छोटा वाला चम्मच, वो उसके अंदर ऐड कर देना है। फिर हमें लेना है कोई भी ऑयल, आपके पास ऑलिव ऑयल हो, आलमंड ऑयल हो या फिर कोकोनट ऑयल हो, जो आपको अच्छा लगे, जो आपके पास घर पर हो वो इसको डाल देना है। ठंड के कारण मेरा कोकोनट ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा जम चुका है, तो इसको पहले पिघला लेते हैं अच्छी तरीके से। एंड उसके बाद पिघलाने के बाद मुझे पता चला कि इसका 1 से 2 चम्मच हो गया ये तो मैंने 1 चम्मच इसके अंदर इसमें ऐड किया है। एंड फिर इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। ये ईजिली मिक्स नहीं होगा बिकॉज मैं एलोवेरा जेल डाल रखा है एंड ऑयल डाल रखा है, तो थोड़े टाइम तक मिलाते जाना है। एंड उसके बाद में थोड़ा मिला लें, उसके बाद में एंड में हमें थोड़ा सा ऐड करना है रोज़ वाटर, जो कि ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हो नहीं भी डाल सकते हो। उसके बाद हमें लेना है एक कंटेनर। मेरे पास गार्नियर की विटामिन सी सीरम की एक कंटेनर खाली पड़ा था, तो मैंने सोचा इसको वॉश करके यूज़ कर लिया जाए। आपके पास कोई भी कंटेनर हो आप वो यूज़ कर सकते हो। मैंने इसको इसके अंदर भर लेना है। सो अब आपको लगा के दिखाती हूँ कि सीरियसली इसका कलर कितना ज़्यादा शानदार आया, कितना ज़्यादा बढ़िया आया। अब बात करते हैं इसके सेल्फ लाइफ की, जो कि है 2 हफ्तों की। हम 2 हफ्तों तक इसको बनाकर लगा सकते हैं इजीली। 2 हफ्तों के बाद अगर आपको फिर से इसको बनाना हो, आपको ज़्यादा पसंद आ गया हो, तो आप इसको फिर से बनाकर यूज़ कर सकते हैं। क्या होता है ना, हम 2 हफ्तों तक ताज़ा लगाएंगे अपने फेस पर, जो कि ज़्यादा फ्रेश लुक देगा, जो कि ज़्यादा ग्लोइंग अच्छा वाला लुक देने वाला है। इसको लगाने के बाद ज़्यादा मेकअप वगैरह करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, ये इनफ रहने वाला है हमारे फेस के लिए। जिनका कलर बहुत ज़्यादा फेयर है उनके फेस पे बहुत ज़्यादा जचने वाला है। मेरा कलर थोड़ा सा ब्राउन है, तो इतना ज़्यादा ये लगाया हुआ दिख नहीं रहा। डार्क स्किन वालों का यही दुख रहने वाला है, बट फिर भी मेरे गालों पर भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा वाला लुक आ रहा है, ग्लोइंग सा पिंकिश लुक आ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। मैं इसको बहुत टाइम से बना रही हूँ, मैं कितने ही साल हो गए इसको बनाते हुए, हर साल मैं इसको बनाती हूँ लगाती हूँ, बिकॉज सर्दियों में बनाना पड़ता है, बिकॉज गर्मियों में तो ये बीट रूट नहीं आता तो तशिया रहता है मेरे को बहुत ज़्यादा। तो इसको मैं हर साल सर्दियों में बनाती हूँ एंड इसका लुक तो उठाती हूँ। सो अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया हो, आज का ये लिप एंड चिक टिंट मेरे तरीके से बनाया हुआ पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड आप भी इसको घर पर बनाकर ट्राई ज़रूर करना, सीरियसली बहुत ज़्यादा बढ़िया रहने वाला है। एंड मेरे को कॉमेंट में बताना कि कैसा बना, कैसा नहीं बना, आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।